भगवान राम जब 14 साल वनवास में थे तो यही खाया करते थे, ऐसा हमने सुना है अपने बड़ों से। भाई साहब ये जापान से आया है तो ये भी टेस्ट करने वाला है, तो इन तो भाई साहब इसको 10 दिन में सेल करेगा करके बोल रहा है। ये वाले जो देख रहे हो, मैं बोल रहा था पानी पूरी टेस्ट करोगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ चिकपेट का आसपास वाला एरिया है, रोड के नाम है OTC मेन रोड। तो ऐसा है इधर सामने का व्यू, दोनों साइड काफ़ी सारा ये आपको दिखने के लिए मिलेगा जो सिलाई मशीन से उषा की, ये अलग अलग कंपनी की। तो इसी रोड में सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, तो जैसे कि पीछे आप देख पा रहे हो एक दो शॉप देखा, और उसके अलावा कई शॉप अभी क्लोज है। सामने भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे और भी कई शॉप आपको दिख जाएगा। तो मैं इस रोड से आगे अभी बीबी के आयंगर रोड जो है उसके तरफ जा रहा हूँ। पेट में अंदर घुस गया तो पता नहीं चलता है एग्जैक्टली आप कहाँ चल रहे हो। अरे भीड़ लग गई यहाँ पे। तो भाई साहब मैं हूँ बीबी के आयंगर रोड पे, बैंगलोर पे चिकपेट बोल सकते हो। जो एक चीज़ देखा मैंने, इसके बारे सुना काफ़ी है बट को भी ट्राई नहीं किया था। तो ये है दोस्तों आपके सामने कंदोमूल, आई थिंक कंदोमूल बोलते हैं सर, कंदोमूल था ना, कंदोमूल, कंदोमूल फ्रूट। सर ये जमीन का अंदर होती है ऊपर होती है? ऊपर होता है। भगवान राम जब 14 साल वनवास में थे तो यही कंदमूल खाया करते थे, ऐसा हमने सुना है अपने बड़ों से। और चलो आज मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ। तो ये है कंदमूल के फ्रूट। तो ये भाई साहब सेल करने वाले भाई साहब बता रहे कि ये ज़मीन के ऊपर उगती है, पता नहीं मैंने इसका कभी ट्रीज देखा नहीं था, और कैसा लगता है टेस्ट कैसा है वो नहीं पता है। तो चलो ट्राई करेंगे कंदमूल और पूछते हैं भाई साहब से कितने के देते हैं। तो आई थिंक शुगर के साथ सर्व करते हैं, काट के थोड़ा स्लाइस बनाते हैं और उसमें लेमन भी डालते हैं, और देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ सॉल्ट भी डालते हैं आई थिंक। भाई ये क्या क्या डालते हो, शुगर सॉल्ट और लाइम राइट? हाँ, तो कई लोग यहाँ पे खा रहे हैं। सर कैसा है टेस्ट, कैसा लगते हैं? अच्छा है। नहीं, इसका टेस्ट कैसा है अगर इसमें कुछ भी ना डाला जाए? मिट्टी मिट्टी डाला है, सॉल्ट डाला है। सॉल्ट अगर सॉल्ट नहीं डाले तो कैसा लगेगा, ऐसा कुछ तेज है इसका? क्योंकि मैं अभी खाने वाला हूँ। नॉर्मल। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? भैया मुझे भी दे दो, कितना क्या है? 30 और 60 रुपीज का? 30-40 मुझे। हाँ ये मिर्ची मसाला दे दो, सॉल्टी मसाला डालेगा तो अच्छा। तो चलो अभी ट्राई करेंगे भाई, सोना काफी था भगवान राम ने इसको खाया है। और ये है इसका स्लाइस, देखने में काफी बड़ा लगता है। भाई साहब ये कहाँ से लाते हो आप? आंध्र प्रदेश। तो भाई साहब आपका एक बार नाम बता दो। श्याम सुंदर यादव। सर आप कितना दिन से ये सब सेल कर रहे हो? आठ साल से। तो बेसिकली आप कहाँ से? बिहार से। जो गाड़ी है ये बीबी के आयंगर रोड पे लगा है, ट्राई करते हैं देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट ऐसा है जो आदमी एक बार खा ले तो बार बार खाए ऐसे मोछा टेर के। बहुत ही भारी वाला डायलॉग मारा भाई साहब। चलो खाते हैं फिर बताता हूँ आपको। भाई साहब मिल गया है, ये जापान से आया है तो ये भी टेस्ट करने वाला है, तो इनको हमने दिया है स्वीट टेस्ट। ये है तो ये जापानी भाई साहब फर्स्ट टाइम लाइफ में कंदमूल ट्राई करने वाला है, वो भी स्वीट टेस्ट के साथ, क्योंकि इसको शुगर और सॉल्टी टेस्ट के साथ सर्व कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी खाया, टेस्ट काफी यूनिक है। प्लीज टेक अ बाइट। नाम क्या है? तो भाई साहब को पसंद आ गया। और इसका बड़े सा एक आप ये देख रहे हो यहाँ पे है, पता नहीं कितना दिन लगेगा सेल करने में। ओ भाई साहब ये कितना दिन में एक सेल हो जाता है? 10 दिन लगता है। और कैसे स्टोर करते हैं इसको, रखते कैसे? अच्छा अच्छा, तो भाई साहब इसको 10 दिन में सेल करेगा करके बोल रहा है। ये वाले जो देख रहे हो कंदमूल के पूरा हिस्से हैं। जापानीज भाई साहब के साथ हम घूम रहे हैं अभी दीदी के आयंगर रोड पे, और ये एक चीज गलत हो गई यार, वो भाई साहब जो सेल कर रहे थे उनके पास डस्टबिन नहीं था, पर्स में सार्फ करते पेपर फेंकने के लिए। यू वांट टू गो दिस साइड? ओके लेट्स गो दिस राउंड। या इट्स कॉल्ड पानी पूरी। इट्स सौरी, सौर, इट्स टेस्ट लाइक ए सौर एंड लिटिल स्पाइसी।
यू वॉन्ट टू ट्राई? तो भाई साहब को मैं बोल रहा था पानी पूरी टेस्ट करोगे क्या? तो एक्चुअली पानी पूरी का जो टेस्ट है सौर खट्टे होते हैं ना, तो शायद अच्छा ना लगे। तो भाई साहब इस तरफ ऐसा ही रहता है, एक्चुअली बारिश हो गया तो थोड़े बहुत गंदगी हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती है। तो भाई साहब को शुगर किन जूस पीना है। यू वॉन्ट सम डिफरेंट टेस्ट, ही विल ऐड लाइम एंड दिस कॉल्ड मिंट लीफ, और यू वॉन्ट प्लेन? लाइम, ओके। तो भाई साहब को लाइम टेस्ट वाला चाहिए, मुझे ना प्लेन बना दो भाई। Oh, good. How is it? Yeah, I like the lime or orange, so it's very good for me. और इनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, काफी डिफिकल्ट नाम है। दिस एरिया इज फेमस फॉर शॉपिंग। यस, लाइक क्लोथ, एक्सेसरीज एंड फूड, एवरीथिंग। लोग काफी शॉपिंग कर रहे हैं यार, दीपावली वगैरह खत्म होने के बाद भी इतना भीड़ है। इसको माला फेस्टिवल टाइम्स और व्हेन यू डू वर्शिप दैट टाइम वी विल यूज यूजुअली दिवाली और एनी फेस्टिवल एट दैट टाइम वी विल डेकोरेट विद दिस डेकोरेशन और सिटी हाउस। हां, ओके, दिस इज आर्टिफिशियल, एक्चुअली दिस इज नॉट रियल वन, बट यू कैन आई थिंक वॉश कर सकते हैं ना सर? हाँ, ये वॉशेबल है, वॉश कर, वी कैन वॉश इट ऑल्सो एंड यू कैन रीयूज इट ऑल्सो। दिस इज प्लास्टिक। यस, हाँ हाँ हाँ, बोल क्या बोलना है, किधर से है तू? पट्टा है ना? कितना का है ये? 50 रुपीज का। तो भाई सामने है संडे बाजार, मैंने संडे बाजार का एक वीडियो बनाया हुआ है, अपने चैनल पे डाला है, तो देख सकते हो, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब को टीपू का समार पैलेस दिखाने के लिए लाया था, शाम हो गया तो क्लोज हो गया, नहीं देख पाया। और टीपू का फोर्ट भी जो है वो भी क्लोज हो गया है, और फिलहाल हम लोग है अभी ये केआर मार्केट मेट्रो स्टेशन पे। तो भाई साहब जैसे कि देख पा रहे हो अंधेरा हो गया है, अभी मैं इनको बाई बाई कहने वाला हूँ, ये जाएगा अपने होटल में, तो इनको बाई बाई बोलते हैं और आशा करेंगे कि इनसे फिर से मिलेंगे, और जब भी नेक्स्ट टाइम जापान से यहाँ पे आएगा तो मैं इनको हेल्प करूँगा बेंगलोर शहर घूमने। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो बाय बाय।